हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिर से जो HTTP के अंदर में जो एरर आता है सर्टिफिकेट वाला, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो कम्प्लीटली। ये पूरा कम्प्लीट मेथड होने वाला है और ये सारे फ़ोन में वर्क करेगा, चाहे वो एंड्रॉयड 12 हो, 11 हो या 10 हो, ठीक है। और मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी और काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत आई, मतलब जो एंड्रॉयड 11 में उनका वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज हम उसको फिक्स करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि आपका एरर नहीं आएगा इंस्टॉल करते टाइम तो सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगा। चलो हम करते हैं कैसे करना है। इसके लिए मैंने नोट बना रखा है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगा इसकी लिंक, ठीक है। और आपको ये जो है APK, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, कोई भी चलेगा, आप कोई भी इंस्टॉल कर लेना। और फिर तीसरा APK है MT मैनेजर, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो में इन दोनों की लिंक नहीं दे पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए मुझे अपनी वीडियो पे। आप गूगल से कर लेना डाउनलोड, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कैनरी खोलते हैं अपन। सबसे पहले आपको जो इसका जो इंस्टॉलेशन के लिए बोलता है उसको स्किप करना रहेगा आपको, ठीक है। कॉन्फ़िगर करते हैं ओके, और यहाँ से तो इंस्टॉल होगा नहीं, आपको दिखाएगा, देखो एरर देगा डन। ये खुद ही बोल रहा है कि आपको सेटिंग से इंस्टॉल करना है, बट अगर हम इसको स्किप करते हैं, स्किप, ठीक है, वेलकम, ओके ओके, आपको जाना है सेटिंग में। और यहाँ से अगर हम CA सर्टिफिकेट, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे करना है, वो एंड्रॉयड 10 में था, वर्किंग है, बट इसमें एंड्रॉयड 11 है, तो यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें इसके लिए रूट की ज़रूरत पड़ेगी, आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए तभी ये मेथड वर्क करने वाली है, नहीं तो मे भी आगे जाके मैं बिना रूट वाला बताऊँ, बट अभी के लिए तो रूट में ही वर्क करेगी ये, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अपना नोट्स खोलिए, यहाँ पर बताया मैंने, ठीक है, सब साफ लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से। तो हमें ये वाली पे थे उस पर जाना है, डाटा डाटा, और देन जो पैकेज नेम है कैनरी का उस वाले फोल्डर में, और देन फिर हम कैसे में जाके हमें ये दो फाइलें उनको कॉपी करना है, मतलब जो सर्टिफिकेट है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है कहीं और डायरेक्टरी में अपनी लोकल स्टोरेज में। तो चलिए कर लेते हैं, MT मैनेजर खोलना है अपना। देन मैंने पहले से ही यहाँ पर कर रखा है, दिखा देता हूँ, ये रहा डाटा डाटा और फिर HTTP कैनरी, ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं आपको HTTP कैनरी .12p12 और जो .pem, ये दोनों को, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, ये अपना मैंने एक फोल्डर बना लिया है HTTP कैनरी करके। वेट, ये रहा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे दोनों को कॉपी कर लिया मैंने, लॉन्ग प्रेस करना है दोनों पे और देन कॉपी, ओवर राइट के लिए बोल रहे हैं, पहले से कर रखा है मैंने इसलिए, ठीक है, ओके। फिर क्या करना है आपको, देन फिर से नोट पे जाना है, फिर क्या बोला है मैंने, सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है। सेटिंग में जाके सर्टिफिकेट जो मैनुअली इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर चले जाना है। तो कैसे करना है, सेटिंग में जाओ और यहाँ पे जाना है, अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग देख लेना आप कहाँ से सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ से आ रहा है, और यहाँ तक सिक्योरिटी में जाकर ही होगा वो, ठीक है। तो हम सिक्योरिटी में जाते हैं, ये रहा सिक्योरिटी, देन हमें जाना है प्राइवेसी, ओके, देन इसके बाद हमें जाना है इंक्रिप्शन और सर्टिफिकेट, और यहाँ पर इंस्टॉल CA सर्टिफिकेट, ठीक है। और हमें सबसे पहले CA सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करना है, ओके, इंस्टॉल एनीवेयर, अपना फिंगर दे दीजिए और जो भी पैटर्न है आपका, जो भी डाल रखा हो आपने स्क्रीन लॉक में वो दे दीजिए, ओके। ये डायरेक्टरी में चले जाना है यहाँ से, और यहाँ से अपना जो भी यहाँ पे भी आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है इन दोनों फाइल को, मैंने यहाँ पर किया है, वहाँ पर चले जाना है। देन आपको जो PM वाली फाइल है HTTP कैनरी .pem, ये रही हो, इसको सेलेक्ट करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये दिख गया आपको नीचे। देन आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस VPN एंड ऐप यूजर सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है,
और फिर ये जो फिंगरप्रिंट वाला जो PM12 दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड भी यही मिल जाएगा। पासवर्ड सिंपली कुछ नहीं है, वो ये HTTP Canary, ये रहा HTTP Canary, सिंपल है। इसको अगर आप टाइप करना है टाइप कर लीजिए, बट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप कॉपी कर लीजिए इसको, और देन इसको आपको सर्टिफिकेट नेम और पासवर्ड दोनों में सेम ही देना है, ठीक है। इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट, ओके। एक्सटेंड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, हो जाएगा। आपको जो नेम है उसमें भी यही रहने देना है, ओके। आ गया यूजर सर्टिफिकेट इंस्टॉलेड, ठीक है। ठीक है, अब सेटिंग में जाते हैं हम, सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पर भी है, अभी भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ऐसे इंस्टॉल किया होगा, भाई डिटेक्ट नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको MT मैनेजर में जाना है फिर से, और वही सेम डायरेक्टरी में जाना है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कैसे वाली डायरेक्टरी में, यहाँ पे, ठीक है, इसमें। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, नोट्स में आई थिंक मैंने लिखा है, हाँ ठीक है। मेरा यहाँ पे चले जाना, और आपको यहाँ पे एक फ़ाइल जो है उसको क्रिएट करना है, ब्लैंक फाइल। तो फाइल का नाम है जो अपन कॉपी कर लेते हैं, ये रहा, कॉपी कर लिया। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है ये वाले डायरेक्टरी में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना है, देन प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वो जो नाम अपन ने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना, और फाइल पे क्लिक करना है इस बार, ठीक है। फाइल ना भी फोल्डर पे, फोल्डर पे क्लिक मत करना, फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो फाइल है ना, कहाँ गई, ये PM वाली HTTP के अंदर PM, उसका जो नाम है हमें चेंज करके ये वाला जो नाम है उसको कॉपी रखना है उसकी। एक मिनट दिखा देता हूँ कैसे करना है। नाम कॉपी कर लिया अपन ने, अब आपको ये जो फाइल है ना, ये वाली, सॉरी ये वाली फाइल, इसको यहाँ पे फिर से पेस्ट करना है, बट इसका नाम चेंज होना चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, बट ये बोलेगा कि रिप्लेस नहीं करना है हमें इसकी, बहुत फाइल पे क्लिक कर देना है थर्ड वाले पे, और यहाँ पे कर देना है कॉपी, ठीक है। तो इसका नाम है ना जो चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको रीनेम पे क्लिक करना है, और देन सारा सिलेक्ट कर लेना और पेस्ट कर देना, ठीक है, और इसको ओके कर देना, ओके। अब आपका काम हो गया, अब आपका जो APK है वो डिटेक्ट कर लेगा सर्टिफिकेट को। तो अपन खोलते हैं फिर से एक बार, यहाँ से रिफ्रेश, ओके, सेटिंग, ठीक है। अब उसने डिटेक्ट कर लिया है, अगर आपके फ़ोन में अगर यहाँ से जो रूट सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे वीडियो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका एरर सारे सॉल्व हो जाएंगे। और जिनके फ़ोन में यहाँ से एच सिस्टम टेस्टेड रूट सर्टिफिकेट क्लिक करने पर अगर नहीं होता है, तो उनके लिए मैं अभी आगे बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। एड सिस्टम टेस्टेड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है, मूव पर क्लिक करना है, रूट परमिशन मांगेगा ये, और ये हो गया, ठीक है, डन हो गया। बट अगर किसी के में एरर आता है ये वाला, नहीं होता यहाँ से मूव सिस्टम में, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्रोम खोलना है अपना, यहाँ पे सर्च करना है आपको HTTP Canary, ये सर्च कर लेना। आपको फर्स्ट लिंक मेरे ही मॉड्यूल की मिलेगी HDA पे, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और ये जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगी, कैनरी जिप के नाम से होगी। देन आपको अब क्या करना है, अपना MT मैनेजर खोलना है, कैनरी जिप, इस पर क्लिक करना, सिस्टम में जाना है, ETC सिक्योरिटी, और यहाँ पर ये जो फाइल दिख रही है
उसको अपनों ये वाली जो फाइल है उससे रिप्लेस कर देना है। तो इसको क्लिक करना है, ऐड करना है और ओके कर देना है। ओके, यहाँ से नहीं हो रही है तो क्या करना है आपको। ओके, तो हम इस ये वाली फाइल को भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं पहले, डायरेक्ट सिस्टम से वो कॉपी नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये कॉपी कर ली। अब आपको डाउनलोड वाले पे चले जाना है। कैनरी जिप, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से अब आपको रिप्लेस कर देना है ऐड, और ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अपना मैजिस्क खोलना है। मैजिस्क खोलने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ से आपको वो डायरेक्टरी में चले जाना है, HTTP कैनरी वाले जो अपन ने क्रिएट की थी, और यहाँ पे ये मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको फ्लैश कर लेना, देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको रिबूट कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही काम है, तो आपका जो सारे एरर्स है वो फिक्स हो जाएंगे जो भी है। ठीक है, अगर आपका यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता है, यहाँ से इस मेथड से इंस्टॉल नहीं होता है, तब आपको जो मैजिस्क वाला जो है ये वाला मेथड वो वाला यूज करना है। ठीक है, तो ये है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो यार, इस टाइप की वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है मेथड को फाइंड आउट करने में, उनको ट्राई करने में, और आपकी मर्ज़ी, करना हो तो कर लेना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। और कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको वो मुझे सजेशन देते रहना, तो मैं बनाते रहूँगा। चलो बाय बाय।